हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरुजीत ब्लॉग्स और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 अपकमिंग बाइक जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं, आपकी फैमिली में से या फ्रेंड कोई प्लान कर रहा है बाइक लेने का, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, बिकॉज इसमें हम बेसिक बात नहीं करेंगे, हम मार्केट रिव्यू क्या है, उस मॉडल का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, आपको लेना चाहिए लेना चाहिए, ये सारी डिटेलिंग कवर करने वाले हैं, जिससे कि एक बायर पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला। तो चलिए जल्दी से जानते हैं क्या है, बट उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसी जो अपडेट्स हैं आपके लिए मैं टाइम टाइम बना सकूं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पे है हीरो की एक्सट्रीम 160R मॉडल, एंड ये मॉडल जो है अभी इसका फर्स्ट लुक जो है देखने को मिल गया है। अगर इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की अगर बात करें तो 95,000 के आसपास एक्स शोरूम प्राइस का रहने वाला है। 163cc का इंजन रहेगा इसके अंदर, 15 BHP का पावर प्रोड्यूस करेगा एंड 14 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला है। इसमें 5-speed गियर रहेंगे दोस्तों, BS6 के कंप्लाइन को टोटली मैच करने वाला है। इसका जो लुक दिया हुआ है ना, वो बहुत ही डिफरेंट दिया हुआ है इन एग्रेसिव सिटिंग पोजिशन, मतलब स्पोर्ट्स बाइक, मतलब इस कॉन्सेप्ट में बहुत ही अच्छी भी रही है। और फ्यूल इंजेक्टर के साथ में आएगा, फ्यूल कैपेसिटी जो है आपको 12 लीटर की मिलने वाले टैंक में, जो कि थोड़ा कम है, बट इसमें एवरेज जो है आपको अच्छी मिलती है, कम से कम आपको 45 to 55 के बीच में मिलेगी, आपका डिपेंड करता है राइडिंग स्टाइल कैसा है। एंड दोस्तों, बाइक का वेट भी हल्का है, 140 kg के आसपास की ये बाइक है। एंड दोस्तों, अगर कुछ और फीचर्स की बात कर लूँ तो इसमें डिजिटल कंसोल मिल जाएगा, LED हेडलाइट और LED टेल लाइट मिल जाएगी, सिंगल चैनल ABS के साथ में आपको ये मॉडल मिलने वाला है। एंड कंपटीशन में दोस्तों बहुत सारी बाइक्स के सामने खड़ी होने वाली है, अपाचे है, यामाहा है, बजाज पल्सर है, सुजुकी है और होंडा है, इन सभी के सामने आप देखेंगे तो 160cc की बाइक्स उनके पास है और उनके सामने ये मॉडल जो है खड़ा होने वाला है। एंड दोस्तों, मुझे तो ये मॉडल अच्छा लग रहा है लुक वाइज, बिकॉज पहले वाली जो एक्सट्रीम थी उससे तो बहुत ह्यूज चेंजेस कर दिया इस मॉडल में। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट मॉडल के ऊपर। तो दोस्तों, 4th नंबर पे है सुजुकी दो मॉडल, जो कि है जिक्सर 250 एंड SF 250cc मॉडल, एंड ये मॉडल जो है इंडियन मार्केट में जल्दी देखने को मिल जाएंगे आपको। अगर प्राइसिंग इसकी बात करें तो 1.66 से 1.77 लाख के आसपास में प्राइसिंग रहने वाला है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 10,000 के आसपास में रहने वाला है। अगर पावर की बात कर लें तो इंजन दोनों में ही सेम रहेगा, 26.1 BHP का पावर प्रोड्यूस करेंगे एंड टॉर्क जो रहेगा 22.2 Nm का टॉर्क रहेगा, BS6 कंप्लायंस को अगेन बोल रहा हूँ मैच करने वाले हैं, 249cc का सेम इंजन रहने वाला है। एंड दोस्तों, बाकी सब चीज़ें तो ऑलमोस्ट सेम है, 6-speed गियर के साथ में, फ्यूल इंजेक्टर के साथ में, ये सब चीज़ें तो आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं मेन जो है प्रो एंड कॉन्स इस मॉडल में, थोड़ा सा प्रो एंड कॉन्स, पहले से ही लोगों का जो इस मॉडल को लेके जो रिव्यू है वो थोड़ा न्यूट्रल आ रहा है, बिकॉज इसमें कोई चेंजेस ऐसे मॉडिफिकेशन नहीं किए लुक वाइज, क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्पोर्ट्स बाइक में लुक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है लोगों का, पावर तो ऑब्वियसली बात है 250cc में आपको मिल ही जाएगा। अगर इसकी गुड थिंग की बात करें तो दोस्तों, फर्स्ट तो इसका जो इंजन है रिफाइंड इंजन है, जिससे टोटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहेगा, पिकअप बहुत अच्छा दे रही है ये, एंड इकोनॉमिक भी रहेगी, फ्यूल इकोनॉमिक भी आपको अच्छा मिल जाएगा 250cc के हिसाब से, आपको एवरेज भी अच्छे मिल जाएगा, राइडिंग पोजीशन भी अच्छी है, कंफर्टेबल बाइक है, राइडिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। बट इसमें अगर बैड थिंग की बात करें, मतलब क्या इसमें डिसएडवांटेज है, वो है लुक थोड़ा सिमिलर रखा गया, जो 150cc की जो जिक्सर बाइक आती थी वैसा ही सिमिलर टाइप का लुक रखा गया, ज़्यादा चेंजेस मॉडिफिकेशन नहीं किया, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग उतना नहीं हुआ है। ऑब्वियसली पावरफुल इंजन डाला है तो आपको पावरफुल बाइक का लुक भी और ज़्यादा डिज़ाइन जो है वो चेंज करना चाहिए था। प्राइस थोड़ा हाई लग रहा है, कॉम्पिटिशन जो है इंडियन मार्केट में आपको मालूम ही है इंक्रीज़ हो चुका है, टायर थोड़ा सा और इंक्रीज करने चाहिए, उसका साइज जो है, परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज करना चाहिए था, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर को लेके भी थोड़ा सा फिंगर पॉइंटिंग की जा रही है कि उसका जो लुक है थोड़ा सा ओल्ड टाइप का लग रहा है, थोड़ा प्रीमियम लुक देना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज में ज़्यादा दिखा जा रहा है जिक्सर में, बट लेट्स सी, अगर मार्केट में आने दीजिए फिर जरूर इसका एक लाइव रिव्यू भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल के ऊपर। दोस्तों, 3rd नंबर पे है यामाहा FZS 25 मॉडल, एंड यामाहा को मैंने जो है ऑलमोस्ट 4 ईयर्स तक राइड किया हुआ है, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है FZ के साथ में। दोस्तों, इस मॉडल का जो प्राइस रहने वाला है 1.43 के आसपास रहने वाला है। अगर पावर की बात की जाए तो 249cc का इंजन रहने वाला है इसके अंदर, एंड जो पावर प्रोड्यूस करेगा 20.8 PS का पावर प्रोड्यूस करना है, 20.1 Nm का टॉर्क रहेगा, ड्यूल चैनल एबीएस के साथ में, ट्यूबलेस टायर के साथ में आपको मिलेगा यह मॉडल, अवेलेबल ऑब्वियसली फीचर्स हैं एंड स्प्लिट सीट के साथ में ऑप्शन मिल रहा है, लुक थोड़ा बल्की कर रहा है। एंड लुक के बारे में थोड़ा सा भी जो रिव्यू है मार्केट में, डोमिनार जैसा लुक एकदम दे रहा है, तो ऑब्वियसली यामाहा जो है अब कॉम्पीट करने वाली है बजाज से, तो दोस्तों ये थोड़ा टक्कर रहेगा मार्केट में। अगेन प्राइस इज अ फैक्टर, अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो यामाहा अभी विन कर रहा है, और यामाहा का ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों पर पसंद आता है, एयर कूल SOSC फॉर्मेट इंजन है, 4-stroke इंजन है सिंगल सिलेंडर के साथ में, तो और भी ज़्यादा आपको पावर डिलीवरी रहेगा और इकोनॉमिक भी रहेगा। तो दोस्तों, इसका भी मॉडल का जो मतलब जो रिव्यू आ रहा है वो न्यूट्रल
मॉडल है, आप जरूर वेट कर सकते हैं। यामाहा के ट्रस्ट को अभी तक कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल के ऊपर। दोस्तों सेकंड नंबर पे है KTM 250 एडवेंचर मॉडल, और दोस्तों ये मोस्ट अवेटिंग मॉडल है एंड इस बाइक का बहुत सारे राइडर जो है वेट कर रहे हैं। अभी जो इसकी रेटिंग आ रही है अभी से ही वो है 4.5। तो दोस्तों अभी ये मॉडल आया भी नहीं है, अभी से आप देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग बहुत ही आ रही है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। एंड दोस्तों इसका जो प्राइसिंग है वो 2.50 लाख है, तो दोस्तों 3 लाख के अंदर ना वैसे भी इंडिया में बहुत ही कम ऑप्शन रह जाते हैं एडवेंचर एंड टूरर बाइक्स के। एंड KTM ने इनिशिएटिव लिया है, एक रेवोल्यूशन ही बोल सकते हैं कि अभी बहुत सारे मॉडल आने वाले हैं एडवेंचर एंड टूरिंग सेगमेंट में। तो दोस्तों अब इसके पावर की अगर बात करें तो 248.8 cc का इंजन रहने वाला है, जो कि पावर बोर्ड इसका 30 PS का एंड टॉक रहेगा 24 Nm का, ड्यूल चैनल ABS, डबल डिस्क, ट्यूबलेस टायर, अलॉय व्हील्स के साथ में ये सारे ऑप्शन आपके रहेंगे। 390 से जो एडवेंचर बाइक है उसमें से थोड़ा सा इसमें कटिंग की जाएगी, बहुत सारे कॉस्ट कटिंग होने वाली, बिकॉज इंडिया मार्केट में अगर खड़े उतरना है तो कॉस्ट भी एक फैक्टर होता है। तो बहुत सारे चेंजेस मॉडिफिकेशन इसके अंदर किए जाएंगे, LED से इसके अंदर दूसरा जो हेलोजन बल्ब जो यूज़ किया जाएगा, सिंपल मतलब थोड़ा सा फीचर्स जो रहेंगे थोड़े सिंपल की तरफ रहेंगे। तो क्या आएगा एक बार आने दीजिए, मैं लाइव का रिव्यू जरूर करूंगा। एंड दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल के ऊपर। दोस्तों फर्स्ट नंबर पे है रॉयल एनफील्ड का मीटियोर 350 मॉडल, एंड इस मॉडल का बहुत सारे रॉयल एनफील्ड राइडर्स जो हैं वेट कर रहे हैं, बिकॉज ये जो मॉडल है वो रिप्लेस करने वाला है थंडरबर्ड एक्स को। एंड ये मॉडल में बहुत सारे चेंजेस मॉडिफिकेशन रॉयल एनफील्ड ला रहा है, बहुत सारे अपडेट्स आपने ऑनलाइन मीडिया में सुने लिए होंगे, आपको एवरी डे कुछ ना कुछ अपडेट जो है इस मॉडल के बारे में मिलता होगा, कहीं ये स्पाई इमेजेस आपको दूसरे अपडेट्स मिलते रहते होंगे, प्राइस कब लॉन्च हो रहा है ये सारी डिटेलिंग आपको इस मॉडल के बारे में सुनने को मिली रहेंगी। अगर मैं इसके कुछ डिटेलिंग बता दूं तो दोस्तों इंजन पावर तो अभी क्लियर नहीं हुआ, बट SOS इंजन फॉर्मेट रहने वाला है, एग्जॉस्ट नोट टोटली चेंज होने वाला है, सीटिंग पोजीशन टोटली डिफरेंट कर दिया, मतलब लो सिटिंग पोजीशन बनाया गया है, टैंक साइज चेंज कर दिया गया है, हैंडल बार, डिस्प्ले, अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर चेंज की हुई हैं। दोस्तों ये मॉडल एक तरह से बोलते हैं न्यू रहेगा रॉयल एनफील्ड के लिए, एक न्यू वर्क था, ऑलमोस्ट 1.5 साल से जो राइडर्स हैं इसके अपडेट सुनते आ रहे हैं, तो ये रहता है मोस्ट अवेटिंग मॉडल। एंड इवन मैं भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, अगर ये मॉडल आएगा तो मैं फुल्ली ट्राई करूँगा कि आपको एक लाइव रिव्यू जरूर मैं ऐसा करूँ और आप लोगों को अपडेट दूँ इसके मॉडल के बारे में। अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो ये कुछ आपको नियर अबाउट 1.90 लाख का प्राइस रह जाएगा, ऑनलाइन मीडिया इसका 1.70-1.80 का सब बोल रहा है, बट उतना कम नहीं रहने वाला है फॉर श्योर है। और भी बहुत सारे रॉयल एनफील्ड के मॉडल हैं जो आने वाले हैं, एंड आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप प्लान कर रहे हो कोई मॉडल का तो थोड़ा वेट करना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज 2020 में बहुत सारे मॉडल जो हैं आने वाले हैं आएंगे, एंड अभी बहुत सारे और भी मॉडल जो हैं वो वेटिंग हैं, ऐसी वीडियोस जो है ना आपके लिए बनाता रहूँगा। तो दोस्तों यहाँ वीडियो एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए गुरुजीत ब्लॉग्स, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। बाय।